क्रिकेट में एक अच्छे एथलीट होने के लिए एक मस्कुलर बॉडी का होना जरूरी नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो फ्रैन विल्सन के इस कैच को देखिए। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मैच में जब बैट्स वुमेन ऑफसाइड की तरफ एक शॉट खेलती है तो फ्रैन विल्स किसी सुपर हुमन की तरह डाइव लगाते हुए बेहद ही शानदार कैच को अंजाम देती है। किसने कहा इंसान उड़ नहीं सकते। इंग्लैंड के एक डोमेस्टिक मैच में रॉस वाइटले का ये कैच देखिए। वाइटले ने करीब 6 फीट डाइव लगाकर एक इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले कैच को पूरा किया। क्रिस जॉर्डन का ये कैच बिग बैश लीग के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट कैच माना जाता है। जब डैनियल क्रिश्चियन बेहद पावरफुल लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और बॉल बेहद तेजी से बाउंड्री की तरफ जाने लगती है और वहीं मिडॉन में खड़े क्रिस जॉर्डन करीब 4 फीट डाइव लगाकर एक इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले कैच को पूरा करते हैं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के इस मैच में जब सौरभ गांगुली एक बॉल पे हवाई फायरिंग करते हैं तो बॉल तेजी से बाउंड्री की ओर जाने लगती है। वहीं मिडॉन में खड़े जेम्स कटली करीब 20 मीटर तक के ग्राउंड कवर करके और फाइनली एक सुपरमैन डाइव लगा के एक हाथों से एक बेहद इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले कैच को पूरा करते हैं। इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के इस मैच में जब एमी जोन्स एक लॉफ्टेड शॉट खेलती है तो बॉल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे सिक्स जाने से कोई नहीं रोक सकता, पर दियोल एक जंप लगाते हुए बॉल को कैच करती है और उसे हवा में थ्रो करती है और वहीं बाउंड्री के बाहर से एक डाइव लगाकर कैच को कम्प्लीट करती है। ये कैच वुमेन क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट कैच माना जाता है। बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान जब कॉलिन इंग्राम ने हवाई फायर किया तो वो ये मान चुके थे कि ये बॉल बाउंड्री आसानी से क्लियर कर लेगी, पर बीच में खड़े थे जॉर्डन सिल्क। उन्होंने हवा में पीछे की ओर जंप लगाकर बाहर जा रही बॉल को वापस ग्राउंड में खींच लिया। ये नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई वाइल्ड कैट किसी बर्ड का शिकार कर रही हो। दो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के इस टी मैच में जब आयन मोर्गन एक पुल शॉट खेलते हैं तो बॉल सीधा लेग साइड की तरफ जाने लगती है। बॉल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शिखर धवन के ऊपर से निकल जाएगी, पर धवन ने करीब 4 फीट हवा में जंप लगाकर एक शानदार कैच को अंजाम देते हैं। IPL में एबी डिविलियर का ये कैच आप सभी को याद ही होगा। जब एलेक्स हेल्स ने हवाई फायरिंग की तो बॉल तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, पर एबी डिविलियर ने 5 फीट की एक सुपरमैन जंप लगाकर बॉल को एक हाथ से कैच कर लिया। तो ये थे क्रिकेट के 8 सुपरमैन डाइव एंड फील्डिंग एफर्ट्स। ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।